What's up people? Welcome back to another video. आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है. पिछली बार आपने वीडियो में देखा था, मैंने सोनिया का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उसका बहुत ऑसम मेकओवर किया था. थोड़ा बहुत मतलब ओके ऑसम भी कह सकते हो वैसे तो. बाकी यार कमेंट कर देना अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, वो यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा. आई होप यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, जहाँ भी आएगा कॉर्नर में आएगा भाई, देख लेना आई बटन पे. मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगा एंड वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो. हमने एक तरीके से स्टार्ट किया है, एक सीरीज स्टार्ट करी है चैलेंज की. तो फिलहाल अभी जो जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं वो सब सोनिया के साथ कर रहा हूँ. तो पिछला चैलेंज सोनिया ने दिया था मेरे को मेकअप का, नया चैलेंज दिया है मैंने सोनिया को अपने हेयर कट का. और हेयर कट का भी इसलिए क्योंकि सिनेरियो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है. बाहर कहीं जाओ ही मत जहाँ पे कि पब्लिक प्लेस हो और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोविड हो सकता है. ये मेरी बहुत पुरानी जर्सी है तो ये मैंने पहनी हुई है क्योंकि इसमें बाल बाल नहीं चिपकते यार, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट. और भाई कल रात ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था तो भाई उसमें हमारे घर के अंदर ना पानी पानी हो गया था. तो जितना भी यहाँ पे ये मैट है ना पूरा ये गीला हो गया, और यहाँ पे भी एक मैट रखा हुआ है ये भी गीला हो गया. भाई एक चीज़ और है कि यार मेरी वीडियोज़ में काफ़ी सारे न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर माई चैनल. बट एक चीज़ है यार, आप लोग अगर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. 50% लोग जो भी आ रहे हैं वो यार व्यू तो कर रहे हैं चैनल को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो यार कर दो, बस ठोक दो उस बटन को. उसको देख रहे हो चैलेंज मतलब मेरा है और तैयारी खुद की हो रही है, देख लो. ये तो हाल है यहाँ पे. चैलेंज तो आपने दिया है मेरे को. हाँ बट पहले मैं तो रेडी हो जाऊँ अपने चैलेंज के. ये कमाल हो गई तेरी. कि जो बार बार होता है पहले वो ठीक रहना चाहिए ना. ओहो हो तभी दूसरों को ठीक करेगा. चलो ठीक है फिर. तो मैं एक पहले रील बनाती हूँ उसके बाद इनकी कटिंग करूँगी. पहले मेरी रील्स जरूरी हैं तो हाँ पहले एक दो फोटो हो जाए. So guys, अब वीडियो स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये हमारे नाई वाले भैया आज हमारे बाल काटेंगे. तूने मेरे साइड साइड से कट करने हैं. चलो वो लेके आओ. क्या कॉम मेरे पास सब कुछ रखा है मैंने यहाँ पर अपना. ओह ठीक है चलो करो. पहले मैं इनको गीला करती हूँ. करो Quiet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night drinking. Camera ke aage mat aa. रुक जा, इधर कर लेता हूँ. ओह गाइस लाइट चली गई है. लाइट ही तो गई है, नाई थोड़ी गया है. नाई तो कटी. ये क्या कर रही है? आप चुप रहो. एक चतुर रार बड़ी. ये क्या कर रही है? ओ भाई ओ हीरोइन. अरे आप चुप रहो. ए, अबे इस तरफ की मांग निकाल के इस तरफ कर, इस तरफ की मांग निकाल के कर. आपको नहीं पता मैं कर रही हूँ ना, तो आप चुप रहो प्लीज. तो बोले पहले साइड से कर सोनिया, ऊपर से मत कर. पहले साइड से नहीं करी, अभी मैं पीछे से ही करूंगी. बट पहले मैं ना इनको छोटी छोटी दो चुटिया बना के रख रही हूँ. दो चुटिया क्यों बनानी है? वो तो बनाता नहीं है वहाँ पे. ना 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 गलत कर रही है तू. अरे नहीं मुझे पता चल गया. अरे गलत प्रैंक मार रही है तू मेरे साथ. प्रैंक नहीं मार रही हूँ यहाँ पे, वही बात कर रही हो. प्रैंक मार रही है. आपको क्या पता मैं कितनी अच्छी कारीगर हूँ. ये चैलेंज भाई मुझे भारी पड़ेगा, मुझे लग रहा है. मेकअप में क्या खराब हुआ? उतार दिया भाई. ये तो कम से कम 1.5-2 महीने मेरे साथ जुड़ा रहेगा. हेयर स्टाइल आजकल कैप भी तो चल रही है. कैप मैं और बैंक में मैं कैप लगा के जाऊंगा.
कमाल हो गया यार। तो ये मैंने बनाई है नो भाई चीजी चोटियां, जैसे छोटे छोटे बच्चों की होती है, हमारे एक अधिक है उसकी भी ऐसी चोटियां हैं। तो चलो लाइट भी आ गई है, मैं सच अच्छा कर It was at this moment that he knew he fucked up. गड़बड़ो पहले बता दी। अच्छा ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे कंघी दूर करना है। ठीक है। और जितना नीचे उतनी कंघी पास। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रही हूँ बढ़िया लग रहा है। तो फिर इधर से कर, फिर यहाँ साइड में। क्या ढूंढ रहा है? वो पिन नहीं होगा, देखो पिन। इधर करो ना, ऐसे करो। तो टाइमर भी देखते रहिए। टाइमर चल रहा है। ऐसे कटिंग करते हैं आजकल। क्या है ये? कटिंग होती है ऐसे। बटे तू किससे कर रही है? मैं दूसरा रोलर आता ना, रोलर। रोलर? दिखा दे मुझे। दिखा। रोलर से चलता है, रोलर से। सोनिया यार क्या कर रहा है तू? ओह नो, रुक जाओ ना, ये कटिंग होती है यार। सोनिया क्या है ये तेरे पास? कुछ नहीं है, कटिंग कर रहा हूँ। ब्लेड ब्लू? नहीं ब्लेड नहीं है। क्या है वो? अरे रोलर था यार, चलाओ तो। यार सोनिया क्या कर रहा है बच्चू यार? तू डरा मत, तुझे सिंपल सा जो बोला हुआ तू उससे कर। निकाल इसको बाहर। अब चल, मैं अभी बोल रहा हूँ निकाल। हाँ हाँ बस निकाल रही हूँ। निकाल इनको। मैं इतनी देर से मुझे चलाना नहीं आ रहा था। सिंपल से हेयर कट को इतना कॉम्प्लिकेटेड। अब देखना, अब आपको ठीक लग रहे हैं? हाँ, ये फिर भी पहले से बेटर है। पहले तो तूने चुटिया बना दी, पता नहीं क्या क्या हरकतें मचा दी। अब मुझे कटिंग करनी आ रही है। उसको बंद कर दिया कर थोड़ी देर। अच्छा। मतलब यहाँ से हो गया ना? अब अच्छा ये देख, अब ये देख ऑड ना लग रहा हो कि यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। और वैसे ही काटने जैसे तेरे को बोला है। ऑड ना लग रहा हो? जहाँ ऑड लग रहा है वहाँ से, जहाँ से बाहर को निकला है उभरा हुआ या कुछ भी ऐसा है वहाँ से थोड़ा काट दे। और कंघी अंदर कम मार। हाँ ऐसे बोला था तेरे को। हेलो गाइस,
तो चलो देखते हैं अब मैंने हेयर कट कैसे किया, क्योंकि जयन ने जो मुझे चैलेंज दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब मैं सबको दिखाने वाली हूँ जयन का हेयर कट। तो भाई सोनिया अब बताएगी आगे, आप सब कह रहे थे सोनिया कुछ बोलती नहीं है, तो आज सोनिया पूरे व्लॉग में सिर्फ सोनिया ही दिखेगी। अब बज चुके हैं 7:30 और तो आप मुझे बताना मेरे हेयर कट कैसे। हाँ तो हर कोई बंदा कह सकता है मैंने बहुत अच्छा किया, बट दूसरे लोग ज्यादा अच्छा बेटर बता सकते हैं कि मैंने कैसे किया है। हेयर कट मैंने खुद यूट्यूब पर सीखा था कि चार चोटियां बनाओ और कैंची से कचकच कर दो। चार चोटियों वाली कहां से वीडियो तूने करी थी ये बता। मैंने यूट्यूब पे आज देखा था तो आपने क्या हाल कर रखा है इसने मेरा, और ये है भाई मेरी फेस की हालत, ठीक है। और ये देखो अच्छे नहीं लग रहे हो। फ्रेंच बियर्ड रखवा दी इसने, मैंने पापा की तरह किया है ये बियर्ड। अच्छा गाइस फिर भी आप बता देना कि ये लुक कैसा लग रहा है आप सबको। एंड फिलहाल यार इस व्लॉग के लिए यहीं तक ही है, क्योंकि अभी हमें यार अपने डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है। एंड आप सब बोल रहे थे कमेंट में कि क्या बोलते हैं सोनिया को, कम बोलती हूं। सोनिया बोलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, सोनिया बोलती बहुत है, बट ये है कि अभी स्टिल सोनिया के अंदर ना कैमरा कॉन्शियसनेस है, और उस वजह से यार कभी कभी क्या होता है कि शाय फील कर जाती है, और इस वजह से स्टैमर करती है, मतलब रुक रुक के बोलती है और मेरी शक्ल देखने लग जाती है अचानक से कि क्या हुआ। तो थोड़ा सा ये इशू है, बाकी कोई नहीं। आपको एक चीज बताऊं मैं, आपके हेयर कट तो बहुत अच्छा हुआ था। जब आप अपनी वीडियो देखोगे ना तो आपके पीछे से ना थोड़ा कट भी गया था। उस पे मैंने ब्लैक कलर का मस्कारा मार दिया था ताकि वो फिल हो जाए और दिखे ना। भाई बड़ी खराब है यार, और ये चीज मुझे एडिट में ही पता चलेगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अभी तक स्टिल मैंने एडिट नहीं किया है, और अभी रात के 7:45 हो चुके हैं, और अभी मैं एडिट करने बैठूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली शायद 11:30 बजे तक एडिट करूंगा। और इस बदतमीज ने मेरे पीछे से बाल उड़ा दिए हैं। अगर आप मुझे कहते ना कि मुझे गंजा करना है तो मैं इतनी जल्दी करती ना। और तूने सीरियसली मेरे पीछे वो किया, कट लगाया है। सॉरी यार आज गलती हो गई, बट वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हो। बट भाई कसम से गाइस मैंने अभी देखा और इसने मेरे लिटरली यहाँ पीछे कट मार रखा है, और पता नहीं यार बहुत गंदा दिख रहा है पीछे से। और कटिंग मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कोई चैलेंज वैलेंज नहीं हुआ इसका, कंप्लीट फेल हुई है चैलेंज में, साफ सीधी बात है। साफ सामने से तो बड़े ठीक ठाक सा लग रहा है, क्योंकि ये भाई मैंने सामने से देख के खुद कटवाया है इससे, बोल के कि ऐसे काट। और ये जो पीछे इससे जो कट लगा रखा ना मेरा, मैंने खुद किया। कुछ नहीं किया इसने, हेयर कट खुद इसने। भाई मेरा यार तूने क्या कर दिया यार, पीछे से यार तूने कट लगवा दिया यार, कमाल लड़की है यार, कैसी लड़की है यार, इधर दिखता नहीं। कल मेरे आपने थ्रेडिंग कौन सी ब्रो थी वो भी खराब कर दी थी ये। यार बताओ यार भयंकर भाई, कोई मैं भाई चैलेंज फेल है इसका, चैलेंज फेल है। अब मैं इसके ऊपर ना खतरनाक वाला प्रैंक करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, पूरा रिवेंज लूंगा मैं इसका जो इसने मेरे सर के पीछे किया है। देखो एक बार, एक फोटो में देखो, एक क्लिप में देखो एक बार क्या किया इसने पीछे मेरे। भाई रिवेंज लूंगा इसका मैं पक्का, मैं अब भी बता रहा हूँ सबके सामने, और बहुत गंदे वाला देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ना रेडी रहना, बहुत धमाकेदार आने वाली है। चैलेंज चुलेंज हो गए बाद की बात, फिलहाल के लिए बस इतना ही है। फ्रंट से तो मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, बाकी पीछे की मेरी डिक्की इसने खराब कर दी है सर की। और भाई अभी तक के लिए इस व्लॉग के लिए यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एडियोस, बाय।